हमारा शास्त्र कहता है कि गाय को खूंटे से बांधकर रखा जाता है। गौ माता जिस खूंटे से बनती है, गौ माता जिस खूंटी से बनती है, वो बंधी रहती है, तो लोग कहते हैं कि अच्छी गाय है, श्रेष्ठ गौ माता है, यहाँ वहां घूम नहीं रही है, यहाँ वहां जा नहीं रही है, ना कहीं इधर उधर घूम नहीं रही, कहीं बेकार स्थान पर जा नहीं रही, बंधी हुई है, स्थान उसका नियुक्त तो हो गया, वो एक खूंटे से बंधी हुई है, वो एक खूंटे से बंधी है। तो हम कहते हैं कि गौ माता देखिए बड़े सावधानी से रहना, अगर बाहर को गौ माता घूम रही है तो कहेंगे कि वो सिंह मार देगी, कोई लात मार देगी, कोई कुछ हो जाएगा, पर हम ये कहते हैं कि जो खूंटे से बंधी हुई है वो गौ माता हमारे घर में रहती है, हम उसका पालन करते हैं, पोषण करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खूंटे से नहीं भी बंधी होती है तो भी वो भ्रमण करती रहती है हमारे घर के अंतर्गत, हमारे खल्ले के अंतर्गत, हमारे ग्राउंड में वो घूमती रहती है, पर किसी को चोट नहीं पहुंचाती, किसी को मारती नहीं, किसी को कष्ट नहीं देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है हमारी गौ माता, हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पहचान है हमारी गौ माता। शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले इस शरीर को, इस मन को, इस चित्त को, इस मानव देह को हमें हिंदू बनाना है, अर्थात मस्तक पर तिलक और गौ माता की सेवा प्रत्येक घर में होना चाहिए, तो जान कर चलें कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। अगर हमारे मस्तक पर तिलक है, हम अगर गौ माता की सेवा कर रहे हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, गौ माता हमारे घर में पूजी जा रही है, गौ माता की सेवा हो रही है, घर में से एक रोटी गौ माता की हम दे रहे हैं और नित्य प्रति गौ सेवा में यदि हम लगे हैं तो ये मान कर चलिए कि हमारा हिंदू राष्ट्र दूर नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र बहुत हमसे दूर ही नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र हमारे साथ में एक ना एक दिन हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। पर सबसे पहले हमको हिंदू बनना, पहले हमको बनना पड़ेगा। आज हमारे मस्तक से तिलक चले गया, आज हमारे घर से गौ माता की रोटी चली गई, आज हमारे घरों में से गौ सेवा चली गई, हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, जो गौ माता एक खूंटी से बंधी हुई है, जो गौ माता एक खूंटे से बंधी हुई है, अर्थात बंधी हुई है तो हम कह देते हैं कि हमारी गाय है, हमारी गौ माता है, हमारी गौ माता बड़ी सरल, बड़ी सहज है। कोई उसका नाम राधा रखता है, कोई नाम उसका नंदिनी रखता है, कोई उसको लक्ष्मी कहता है, कोई उसको रुक्मणी कहता है, कोई उसको भामा कहता है, तो उसकी सेवा में निरंतर लगी रहती है, कोई उसको सुशीला कहता है, कोई इसको बहुला कहता है, नित्य सेवा करती है हम गौ माता। जैसे गौ माता एक खूंटे से बंधी होती है तो हम कहते हैं कि ये हमारी स्वयं की गाय है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हैं, एक जगह पर हम हमेशा जाते रहते हैं, एक जगह पर बंधे रहते हैं, तो मेरा महादेव भी कहता है कि ये मेरा अपना है और इसका कल्याण मुझे करना है, ये मेरा श्रेष्ठ है, ये मेरा अपना है, ये मेरी सहजता का है, ये मेरा खुद का है। शिव उसकी आराधना को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान शंकर उसकी आराधना को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है शिव महापुराण के अंतर्गत, दो शिव भक्त थे, एक का नाम था हरि और दूसरे का नाम था मणि। शंकर की आराधना में दोनों ही लगे रहते थे, दोनों की सहजता थी, दोनों का आनंद था, शिव भक्ति में दोनों लगे हुए हैं, शिव आराधना दोनों कर रहे हैं, शिव उपासना दोनों कर रहे हैं, दोनों का भाव है। जैसे हमारे यजमान परिवार डॉक्टर श्री शिवराज जी नांदेड़कर जी और श्री प्रशांत पातेवार जी, दोनों शिव भक्त हैं, दोनों की भगवान शंकर की अविरल भक्ति दोनों के भीतर है, दोनों भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त करे तब जाकर भगवान शंकर की अविरल कथा या नांदेड़ वासियों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं प्रभु कृपा, कहीं ना कहीं शिव कृपा हुई है जो ये कथा आपको और हमको प्राप्त हुई है, कहीं पुण्य हमारा प्रबल हुआ। दो शिव भक्त हैं, एक है हरि और दूसरे का नाम है मणि, दोनों शंकर की भक्ति में रमने वाले, दोनों शिव की
और दिन प्रतिदिन दोनों का नाम स्मरण। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु। प्रतिदिन हरि और मणि दोनों भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं। दोनों प्रतिदिन शिवालय जाते हैं, शंकर जी के शिवलिंग की पूजन करते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग को अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान शंकर का रुद्राक्ष अपने हृदय में, अपने गले में धारण करते हैं। प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर सफाई करते हैं। प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर सेवा करते हैं। प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर कुछ अर्चना, पूजन, पाठ, आराधना करते हैं। ऐसे शिव भक्त हैं दोनों, पर दोनों की आराधना में बहुत अंतर है। हरि की और मणि की, दोनों की आराधना में अंतर है। दोनों की आराधना, हरि जब भी शंकर भगवान की आराधना करता है, उसके पास में जो होता है वो शिव को समर्पित करता है। जल है, जल दे दिया। अपना खुद के आंगन का पुष्प है, शिव को दे दिया। अपने आंगन में कोई बेलपत्र का वृक्ष है, उसकी पत्र तोड़ा और भगवान शंकर को दे दिया। उसके पास में अगर कोई कंदमूल फल है तो दे दिया। पर मणि भी शिव भक्त है, पर मणि का एक क्रम बड़ा प्रबल था कि मणि जो भी कुछ लेता है, जो दूसरे को प्रेशर देकर, दूसरे को परेशान कर, दूसरे को कष्ट देकर, दूसरे को अपशब्द कहकर, थोड़ा क्रोध कर, थोड़ा गुस्सा कर, मणि उनसे वस्तु लेकर आ जाता और शंकर भगवान को समर्पित कर देता। किसी किसी के बगीचे में से फूल तोड़ने गया, कोई ने मना करा तो क्रोध कर लिया, गुस्सा कर लिया। अब जा रहा है वो मणि, जब भी कोई पुष्प लेने जाएगा, कोई वस्तु लेने के लिए जाएगा तो क्रोध कर देगा। अब बड़ा भगवान शंकर को स्वीकार, हरि अपने पास में जो है वो शिव को दे रहा है। हरि जो अपने पास में है वो भगवान शंकर को प्रदान कर रहा है। और महाराज शास्त्र भी कहता है, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोलेनाथ तेरी सेवा हमसे ना बनी। जो है हमारे पास वो हमारे शिव को दीजिए। कभी मेरे ओघड़ दानी ने, कभी मेरे शंभू ने, कभी मेरे शंकर ने आकर कभी नहीं कहा कि मुझे ये वस्तु दो, कभी नहीं कहा। कभी मेरा ओघड़ दानी, कभी मेरा शंभू, कभी मेरा शंकर नहीं कहते कि मुझे ये वस्तु प्रदान करो। मेरे शिव तो कहते हैं कि निर्मल मन सोमो ही पावा, मेरा आपका हृदय चित्त सुंदर हो, आपका मन शुद्ध हो, आपका निर्मल मन हो और आपका भाव अगर शुद्ध है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती। शंकर मिलते जरूर है, केवल निर्मल मन होना चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए, निर्मल मन की शुद्धता होना चाहिए तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी, शंकर मिलेंगे जरूर। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी।
भगवान शिव कहते हैं कि मुझे तो केवल तुम्हारा भाव दीजिए, मुझे केवल तुम्हारा शुद्ध हृदय प्रदान कर दीजिए। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है कि अगर बेलपत्र भी अपने पास में नहीं है तो तीन उंगली भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करा दीजिए, शिव समझ जाते हैं कि मुझे बेलपत्र समर्पित कर दिए। इतना भाव शिव महापुराण वर्णन करती है, इतना भाव शिव कथा कहती है, इतना सुंदर भाव हमारी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। कुछ नहीं है आपके पास में, आप भगवान को अपना स्वीकार कर ले। हरि के पास कुछ नहीं था, कुछ हरि के पास में एक लोटा जल था, शिव जी को दे दिया। हरि के पास में कोई वस्तु मिलती थी, भगवान शंकर को दे देते थे। हरि के पास में जो सामग्री होती थी वो शिव को प्रदान कर देते थे। पर मणि जिस बगीचे से फूल तोड़ने के लिए जाता था, अगर बगीचे का मालिक मना भी कर देता था तो क्रोध करता था, ये फूल तो मुझे चाहिए ही, ये तो फूल मुझे तोड़ना ही है, और बहुत क्रोध करता, बहुत चिड़चिड़ हो जाता। आखिरी में वो फूल तोड़ कर लेकर आकर शंकर भगवान को समर्पित कर ही देता। होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है कि दो तरह के लोग रहते हैं घर में। एक ऐसा होता है कि पूजन की थाली लेकर बैठा, जो मिल गया ना भगवान को समर्पित कर दिया, और दूसरा जब पूजन करने बैठता है ना, जो सामान नहीं होता ना तो वहीं से चिल्लाने बैठता है, बता मैंने 50 बार बोला था ना तेरे को, मैंने कहा था ना तेरे को कि ये सामान होना चाहिए, तूने रखा क्यों नहीं, ये सामान होना चाहिए तूने रखा क्यों नहीं, तो वो गुस्से में क्रोध में चिड़चिड़ करना और क्रोध करना तो वो चालू कर देता है। पर शिव कथा कहती है कि तुम्हारे पूजन की थाली में जो साहित्य है, तुम्हारे पूजन की थाली में जो सामग्री है, वो दिल से हृदय से भाव से शिव को चढ़ाइए, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। हरि के पास में जो होता था वो भगवान शिव को समर्पित करता था। मणि अगर वस्तु नहीं होती थी तो कहीं ना कहीं से छुड़ा कर, चिढ़कर, क्रोध कर, गुस्सा कर वस्तु लेकर आता था, देता था। अब हरि के पास में कोई ऐसा वस्तु नहीं होती थी कि वो भगवान के मंदिर में लाकर कोई कीमती सामग्री हो, कोई आभूषण हो, कोई रत्न हो, कोई माणिक हो, कोई बहुत सारा भोग प्रसाद हो जो भगवान शिव को दे दे। उसके पास में धतूरा रहता, बेलपत्र रहती, जो मिल जाता वो कनेर का पुष्प आदि कादिक जो भी वस्तु मिल जाती वो भगवान को दे दे। पर मणि और हरि दोनों मंदिर आते, हरि जब मंदिर में आता उसके पास में कुछ ऐसी वस्तु नहीं रहती, पर मणि जब मंदिर आता तो मंदिर में जितने लोग बैठे रहते वो बड़े प्रसन्न चित होते, मणि मंदिर में आ गया, मणि मंदिर में आ गया, मणि मंदिर में आ गया। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद बहुत सारा लेकर आता था, सामग्री बहुत सारी लेकर आता था, बहुत सारा साहित्य लेकर आता था, तो सबको देता 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 जाता था, सबको दे देता था, तो सब प्रसन्न रहते थे। अब हरि से लोग प्रसन्न नहीं हो पाते क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। दोनों में अंतर है, हरि भगवान को जो दे रहा है वो खुद का दे रहा है, और मणि जो भगवान को दे रहा है वो कहीं ना कहीं से छुड़ा कर, क्रोध कर, गुस्सा कर कहीं से लेकर आकर भगवान को दे रहा है। दोनों समय बीतता गया। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए, शिव का नाम लिया और तीर्थ यात्रा के लिए बढ़े। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीर्थ यात्रा के लिए बढ़ते 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 दोनों जब चले, बीच मार्ग में चलते चलते क्या देखते हैं, बीच मार्ग में चलते चलते क्या उनने देखा कि एक कोई बीमार व्यक्ति मार्ग में मिला और बहुत जल की याचना कर रहा है, बहुत प्यास लगी है मुझे भैया थोड़ा सा पानी दे दीजिए, बहुत जल की याचना कर। सबसे पहली दृष्टि मणि की गई उस पर, सबसे पहली दृष्टि मणि की गई उस पर, और मणि ने जो देखा, मणि जो देखा कि कोई बीमार पड़ा हुआ है, जल की याचना कर रहा है, पर मणि ने ध्यान नहीं दिया। मणि ने सोचा अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमारी बोतल में, हमारे पास जो छाजल में जल रखा है वो जल इसको देना पड़ेगा और हमारे पास में इतना जल नहीं है, तो मणि तो थोड़ा आगे निकल गया।
पर हरि का ध्यान गया, जिसके पास में कुछ भी नहीं रहता था उस हरि का ध्यान उस बीमार व्यक्ति पर पड़ा, और जैसे ही बीमार व्यक्ति पर ध्यान गया, ध्यान जाते ही उस बीमार व्यक्ति के पास हरि गया और हरि ने जाकर कहा, भैया देखो मेरे पास में बहुत कुछ तो नहीं है, पर अगर आपको प्यास लगी है, आपको अगर प्यास लग रही है तो मेरे पास में थोड़ा सा जल मैंने देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए रखा था, क्योंकि मेरा नियम है मैं प्रतिदिन भगवान शंकर को जल समर्पित करता हूं, इसलिए अपने साथ जल लेकर चल रहा हूं। कहीं मान लो जल नहीं मिला तो मेरे पास में जल होगा तो किसी भी कंकर शंकर को उठाकर मैं जल समर्पित कर दूंगा, किसी भी स्थान पर शिवपिंडी को मानकर मैं जल समर्पित कर दूंगा, पार्थिव लिंग का निर्माण कर मैं जल समर्पित कर दूंगा, कहीं से किसी नदी का कंकर उठाकर मैं जल समर्पित कर दूंगा, इस भाव से मैं जल लेकर चला हूं। पर भैया आप अगर बीमार पड़े हो, आपको प्यास लग रही है, तो मणि तो आगे निकल गया, हरि ने अपनी छाजल का जल थोड़ा सा लिया और वो जल उस बीमार व्यक्ति को पिला दिया, दोनों चल दिए, दोनों आगे चलते 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 थोड़ी दूर पर पहुंचे, थोड़ी दूर ही पहुंचे थे, और पहुंचते से ही हरि के पांव में कांटा चुभ गया। अभी कथा के प्रारंभ में कहा कि भगवान शिव परीक्षा बहुत लेता, जैसे नांदेड़ वालों अभी तुम्हारी चल रही है, भगवान शिव परीक्षा बहुत लेता है, पर परीक्षा ले चलेगा पर प्रतीक्षा तुम करना। परीक्षा और प्रतीक्षा में अंतर है, परीक्षा लेना उसका हक है और प्रतीक्षा करना हमारा हक है। हम थोड़ा इंतजार करें, हम थोड़ी प्रतीक्षा करें, कभी प्रतीक्षा करिए, थोड़ा इंतजार करिए, बाबा की कृपा होगी, शिव कृपा करेगा, करुणा करेगा, उसकी उदारता होगी, वो परीक्षा लेते जाए, अपन प्रतीक्षा करते जाए, प्रतीक्षा करते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो मैं कटी जावांगी। शिव करुणा करता, थोड़ी प्रतीक्षा करिए, और बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छा लेख है श्रद्धा साबुरी, श्रद्धा है तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करो, कभी तो कृपा करेगा, कभी तो करुणा करेगा, कभी तो झोली भरेगा, कृपा करता जरूर। अब हरि ने पानी पिलाया, हरि के पास वस्तु नहीं होती थी, शिव सेवा करता है, हरि ने पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद आगे बढ़ा और पांव में लग गया कांटा। आप जरा सोचो, कई लोग कहते हैं हमारे तो भैया धर्म करते कर्म फूटे, कई लोग कह देते हैं अपने मुख से हमारा तो धर्म करते कर्म फूटा, पर ऐसा नहीं कहना चाहिए। धर्म करते करते अगर थोड़ा सा कष्ट आ रहा है, धर्म करते करते अगर थोड़ी परेशानी आ रही है, धर्म करते करते अगर भगवान थोड़ी सी परीक्षा ले रहा है, तो ये कभी मत कहो कि कर्म फूटा धर्म करते, ना ना, ये कहो कि हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो हमारे भोलेनाथ जी ने काटना प्रारंभ कर दिया, हमारा शिव हमारे कर्म को काट रहा है। पर ये मत कहिए कि धर्म करते कर्म फूटा, ना ना ना, कुछ हमारा कर्म होगा पूर्व का, इसीलिए तुम बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी,
तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। अपने कर्म का फल अपने को पाना, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, अपने कर्म का स्मरण अपने को करना है। हरि पांव में लग गया कांटा, शिव महापुराण की कथा कहती है, हरि के पांव में जैसे कांटा लगा, मणि उसको देखकर हंसा। क्यों हंसा? जब कष्ट आता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, तो दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो पीछे खड़े होकर हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना था। दुनिया के लोग हंसते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया कितनी भी हंसे हंसने दो, क्योंकि दुनिया की रीति है आगे बढ़ने वाले पर पहले हंसते हैं, फिर ताना कसते हैं, फिर ताली बजाकर उसी की वाहवाही करते हैं कि अच्छा कार्य किया। ये दुनिया की रीति है, इसलिए घबराना नहीं है। हरि के ऊपर मणि ने हंसा और मणि को हंसी आ गई। अब मणि को हंसी आई तो मणि ने हंसते हुए कहा, देखो तुमने पानी पिलाया था और तुम्हारे साथ में ये हो गया। मणि ने जैसे ही कहा, हरि ने कहा, ये पानी पिलाने से नहीं हुआ है, मेरे बाबा ने कोई कृपा करी होगी, हो सकता है इस कांटे की जगह मेरी गर्दन कटने वाली होगी, तो मेरे शंकर ने कांटा चुभाकर मेरी गर्दन को बचा लिया है। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता। करोड़ों शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, नांदेड़ की पवित्र भूमि से आप ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, नांदेड़ की पवित्र धरा से आप कथा का रसपान कर रहे हैं। अपने भीतर उतार कर रखिएगा, थोड़ा सा कष्ट अगर जिंदगी में आए, थोड़ा सा दुख अगर जीवन में आए, थोड़ी सी परेशानी हमारे जीवन में आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी घबराना नहीं, ये समझ लेना कि मेरा भोले बाबा परीक्षा ले रहा है, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना। एक बार पशुपति व्रत करा, दो बार पशुपति व्रत करा, तीन बार पशुपति व्रत करा, कार्य नहीं हुआ, हारना नहीं। शिव जी को मंदिर में जाते जाते जल चढ़ाते चढ़ाते एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, पांच महीना निकल गया, घबराना नहीं, शिव कृपा करेगा, करेगा कृपा। इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। कल एक समिति के मोबाइल पर एक मैसेज था किसी बहन का, अगर वो कथा सुन रही होगी तो उसके स्मरण में होगा, महाराष्ट्र की ही है, लातूर के पास की। उसने एक मैसेज करा कि मेरे कोई भाई ने करा कि मेरी पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ और बच्चा जन्म लेते ही धर्म पत्नी का जो गर्भाशय था वो बच्चे के साथ ही प्रविष्ट हुआ। अब गर्भाशय उसका उधर में रहा नहीं, डॉक्टर ने कहा अभी की अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा और गर्भाशय को बच्चादानी को बाहर निकालना पड़ेगा। अब उसके घर का प्रथम बच्चे का योग, दूसरे कोई संतान का योग ही नहीं बन सकता, गर्भाशय बाहर निकल जाए, गर्भाशय अगर निकाल दिया जाए तो बच्चे का योग कहां बने। बड़ा दुखी था, बड़ा दुखी। उसकी पत्नी भी रो रही थी, बड़ा दुखी था, उसकी पत्नी की आंख में भी आंसू थे, रो रही। अब करें तो करें क्या? तुरंत डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला और पति
अपनी बहन से कहता है कि शिवजी के मंदिर जा और एक बेलपत्र ला कर दे दे, मुझे भरोसा है कि मेरा शंकर कभी बुरा नहीं होने देगा। और उस भाई ने मैसेज में लिखा कि वो बेलपत्र लाकर मैंने अपनी धर्मपत्नी के पास में रखा और डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद कह दिया कि उसके गर्भाशय को निकालने की जरूरत नहीं है, उसका गर्भाशय ठीक हो गया। ये शिव भक्ति, ये शंकर भगवान की ओगरदानी की भक्ति, ये शंकर की करुणा। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत। कभी ये विचार न लाइए कि हमने ऐसा करा और ऐसा हो गया। कई लोग कह देते हैं हवन करते हाथ जल गए, ना ना ना, हाथ जला तो ये विचार मानकर चलना कि हमारा पूर्व का कोई कर्म था वो कट गया, थोड़ा सा कष्ट आया हम मानकर चलना हमारा पूर्व का कोई कष्ट था तो मिट गया, कोई पूर्व का कष्ट था समाप्त। प्रभु कृपा करता है। हरि के पांव में कांटा लग गया, मणि हंसने लगा। दुनिया हंसती है, बहुत हंसती है। आप अच्छा कर्म करिए बहुत हंसेंगे लोग। हमने पहले भी कथा में कहा, मॉल में जाओगे ना तो कोई नहीं हंसने वाला, फिल्म देखने जाओगे तो कोई नहीं हंसने वाला, पर अगर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए गए ना तो दुनिया ताना जरूर कसेगी, बाबा जी बन जाओ, सीवर वाले महाराज के साथ ही चले जाओ, दुनिया गए बाबा जी बन जाओ, सीवर वाले महाराज के साथ चले जाओ, 24 घंटे कथा कथा सत्संग कथा कथा सत्संग कथा कथा सत्संग 24 घंटे। कल हमारे यजमान परिवार कह रहा था, डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी कह रहे थे कि गुरु जी ये शिव पुराण की जो कथा आई ना, हमारी माता जी, हमारी पत्नी और हमारे मित्र है ना श्री पातेवार जी, उनकी धर्म पत्नी, उनका परिवार और ये सब ने मन में ठान लिया था कि एक बार शिव पुराण की कथा होना चाहिए, एक बार शिव पुराण नांदेड़ में होना चाहिए। इसलिए नांदेड़ वालों के लिए और भगवान शिव की कृपा से अपने माता पिता के लिए शिव महापुराण की कथा हो। कथा किसके लिए? पूरे नांदेड़ वासियों के, पूरे नांदेड़ वासियों। और बड़े भाग्यशाली हो रहे नांदेड़ वालों, हमने पहले दिन की कथा में कहा था नजर उतरवा लें, अब तुम लोग नहीं समझे तो बात दूसरी है। हमने तो कहा था पहले दिन की कथा में बोल दिया था नांदेड़ वालों को कि नांदेड़ वाली जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, नजर उतरवा लेना। तो कुछ सोचकर ही बोला होगा, कुछ सोच कर बोला होगा। और तुमने जो दो लोटा जल सावन के महीने में चढ़ाया तो भोलेनाथ जी ने कहा मैं अकेला थोड़ी ना आया, तो गंगा को साथ लेकर आया हूँ, तो शिव तो शिव है। अब 15 दिन से 20 दिन से 30 दिन से पानी नहीं गिरा था नांदेड़ में, एक बूंद पानी नहीं गिरा, सब त्राई त्राई मचा रहे थे। तो बाबा भोलेनाथ जी ने कहा नहीं मैं आया हूँ तो गंगा भी आएगी, गंगा भी आएगी। और ध्यान दें, कथा अपनी जगह पर है, पर मेरे भोले बाबा से कहना है बाबा तेरी गंगा को रोकना नहीं है, क्योंकि तू आज रोक देगा तो कल इन किसानों का क्या होगा, इसलिए तेरी गंगा तेरे मस्तक पर है, जब जब जरूरत पड़े नांदेड़ वासियों के लिए जलवृष्टि होना जरूरी है। कथा अपनी जगह पर, कथा अपने स्थान पर, जलवृष्टि अपनी जगह। हमें अपना हित नहीं, हमें संपूर्ण विश्व का हित देखना है, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का कल्याण, हमें संपूर्ण विश्व का कल्याण देखना, हमें केवल अपना नहीं। तो कहीं बाबा ने कृपा करी, बाबा ने सोचा बहुत दिन हो गए रे, थोड़ा रुक जा भी, इंतजार कर। इंतजार करते करते पूरा टेंट लग गया, पूरी व्यवस्था हो गई, सोफे और कुर्सी भी लग गए और सब बेड भी गए। और इतने में दिन में धूप ऐसी तेज, छाता लगा कर बैठो और कथा विराम होने के बाद बाबा जी गए,
जजमान के घर, और मालूम पड़ा इतनी देर में तो गड़गड़ गड़गड़ करते 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 पूरी रात शिव जी ने गंगा का अभिषेक किया। कंकर शंकर पूरे नांदेड़ के माँ गोदावरी मैया ने कृपा कर कर पूरे नांदेड़ वासियों को आनंद प्रदान किया। ये शिव भक्ति, शिव भक्ति है इसको। कितना सुंदर कहा है अग्नि पुराण में, अगर कोई सत्कर्म कर रहे हो और बिल्कुल सच्चे मन से कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो और सच्चे मन से कर रहे हो, कोई अनुष्ठान कर रहे हो और सच्चे मन से कर रहे हो, और अगर जलवृष्टि हो जाए, समझ लेना भगवान ने स्वीकार कर लिया तुम्हारे अनुष्ठान को, तुम्हारे यज्ञ को, तुम्हारी कथा को शिव ने स्वीकार कर लिया, ये मान लिया। अग्नि पुराण कहती है कि हम अच्छा कार्य करें और जलवृष्टि हो तो समझ लो उसने स्वीकार कर। हाजिरी कैसे देगा परमात्मा, आकर तो देगा नहीं। भगवान शंकर यहाँ आके तो बोलेगा नहीं कि मैं खुश हो गया, भगवान शंकर ने तो गंगा जी को भेज के बता दिया मैं खुश हो गया, गंगा जी को भेज। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। सच्चे मन से सेवा करी जाए तो शिव स्वीकार क्यों ना करे। मणि हंसा है, हरी के पांव में कांटा लगा है, हरी कह रहे हैं मणि मेरे पांव में कांटा लगा है, थोड़ा रुक जा मणि, रुक जा। मणि ने कहा कांटा लगाए तू नाटक कर रहा है, चल मेरे साथ जल्दी चल आगे बढ़। अब तो हरी से चला नहीं जा रहा, नीचे बैठ गया, शिव का नाम ले रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, पड़ा हुआ है। और मणि ने सोचा ये तो ऐसे ही बैठ गया, और मणि आगे बढ़ गया, थोड़ा आगे बढ़ा। अब मणि जैसे ही आगे बढ़ा, हरि के तो पांव में कांटा चुभा था, और मणि चलते 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 खड्डे में ऐसा गिरा कि उसके शरीर में, पांव में, हाथ में, पूरे शरीर में कांटे कांटे चुभ गए, पूरे शरीर में कांटे, पूरे शरीर। अब मणि भी भगवान को पुकार रहा है और हरि भी भगवान को पुकार रहा। हमने पहले दिन की कथा में, नांदेड़ की प्रथम दिवस की कथा में कहा था कि ढंग की जिंदगी जियो, ढोंग की जिंदगी नहीं। नांदेड़ की कथा में कहा, प्रथम दिवस की कथा में हमने वर्णन किया, ढंग की जिंदगी जीना है, दिखावे की जिंदगी से दूर हो जाना, हमें दिखावा नहीं करना, हमें दिखावे से दूर होना, ढंग की जिंदगी, श्रेष्ठ जिंदगी जी। और हरि में और मणि में, दोनों में एक अंतर है। हरि शिवालय में जाता है तो दिखावे के लिए नहीं जाता, हरि शिवालय में जाता है तो भगवान शंकर के मंदिर में दिखाने के लिए नहीं जाता, हरि शिवालय में जाते हैं तो दिखाने के लिए नहीं जा रहे, मणि शिवालय में जा रहे हैं तो ये दिखाने के लिए जाते हैं कि देखो मैं तुमको ये सब देता हूं, मैं तुम्हें ये प्रदान करता हूं, मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो, ये दिखावे के लिए हरि नहीं जाता, दिखावे से दूर है हरि, दिखावे से दूर। पुकारा दोनों ने, मणि भी शिव को पुकार रहे हैं और हरि भी शंकर को पुकार रहे हैं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा,
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पुकारो, हरि ने पुकारा, मणि ने भी पुकारा, पर दोनों के पुकारने में अंतर है। हरि केवल नाम उच्चारण कर रहा है और मणि क्या बोल रहा है, भोलेनाथ मैंने तुम्हें रोज जल चढ़ाया, भोलेनाथ मैंने रोज तुम्हें पुष्प चढ़ाया, भोलेनाथ मैंने तुम्हें रोज बेलपत्र चढ़ाई, भोलेनाथ मैंने रोज तुम्हें चूरमे का भोग लगाया, भोलेनाथ मैं तुम्हारे मंदिर में रोज आया। हरि एक बार भी नहीं बोला कि बाबा मैं तेरे मंदिर में रोज आता हूँ। हरि एक बार भी नहीं बोला बाबा मैं तुझे जल चढ़ाता हूँ। हरि एक बार भी नहीं बोला कि बाबा मैं तेरा भजन करता हूँ। पर मणि कह रहा, मणि बार बार कह रहा है मैं तुम्हारे मंदिर में आता हूँ, मैं तुम्हें जल चढ़ाता हूँ, मैंने तुम्हें भोग लगाया, मैंने तुम्हें बेलपत्र चढ़ाई, मैंने तुम्हारा साज बिछाया। कई लोग दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो बार बार कहते हैं मैं इतना करने के बाद भी मेरी किस्मत में यश नहीं, मैं रोज मंदिर जाता, रोज जल चढ़ाता, रोज पूजन करता तो भी दुख मेरे पर ही आता, मैं रोज ऐसा करता तो भी भगवान मेरी नहीं सुनता, मैं रोज भगवान को प्रार्थना करता तो भगवान मेरी नहीं सुनता। अरे मणि बार बार भगवान को कह रहा है कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ तो भी मेरे को दुख आया, मैंने ऐसा करा भगवान मैं तुम्हें भसता हूँ, पर हरि ने नहीं कहा कि भगवान मैं जल चढ़ाता हूं, भगवान मैं तुम्हें ये करता हूं। मेरा निवेदन है सभी से, सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, आप अपने बच्चे को विद्याध्यन कराओ, आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, आप अपनी बेटी को विद्याध्यन कराओ, आप अपने परिवार वालों के लिए करो, आप अपने परिवार वालों के लिए विद्याध्यन कराओ, पढ़ाओ बच्चों को, खूब पढ़ाओ, खूब विद्याध्यन कराओ। पर बच्चों को बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए मकान बनाया, मैंने तुम्हारे लिए दुकान करी, मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए वो करा, क्योंकि बच्चों के हृदय में धीरे धीरे चिड़ उत्पन्न होने लगती है और बच्चे आखिरी में एक दिन कह देते हैं कि दुनिया के माँ बाप भी करते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का संबोधन नहीं करना, बच्चों को संस्कार में ऐसा ढाल दो, संस्कार में ऐसा बच्चों को ढालिए कि बच्चों की चित्त वृत्ति में ये रहना चाहिए कि मेरे पिता ने और मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या करा, ये बच्चों की चित्त वृत्ति में रहना चाहिए। बोलने से नहीं, बोलने से नहीं, बताने से नहीं, बच्चों की चित्तवृत्ति में संस्कारों के माध्यम से यह डाला जाए। हमारे घर के बच्चों में वो संस्कार होना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे देखें कि हमारे पिता ने कितनी मेहनत करी, हमारे घर के बच्चे देखें कि हमारी माता ने कितनी मेहनत करी, हमारे घर के बच्चों देखें कि हमारे परिवार वालों ने कितनी मेहनत करी, तब उनको समझ में आता है। महाराज ऊंचाई की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, चार मंजिल की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, पर चार मंजिल के नीचे जो सरिया गया है, चार मंजिल के नीचे जो खुदाई करी गई है, चार मंजिल के नीचे जो खोदा गया है वो नहीं दिखता है। होता है एक कथा आती है बड़ी सुंदर, एक भिखारी सोच लिया मुझे सम्राट बनना है, एक भिखारी ने सोचा मुझे राजा बनना, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं राजा बन के रहूंगा, मैं सम्राट बन के रहूंगा। अब भिखारी ने सोचा मुझे सम्राट बनना, तो किसी ने भिखारी से पूछा कि तुम सम्राट कैसे बनोगे, तो भिखारी ने कहा भीख मांग के। अरे भिखारी भीख मांग कर कोई सम्राट बनता है क्या, पर मुझे बनना है। भिखारी ने चौराहे के पास में अपनी चादर बिछाई फटी हुई और बैठ गया भीख मांगने के लिए। भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, और एक दिन भीख मांगते 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 उसकी अंतिम क्षण आ गया और भिखारी सीता राम हो गया। उसका सम्राट बनने की आशा, उसका राजा बनने की आशा उसके साथ ही मर गई, उसी के साथ समाप्त हो गई। भिखारी मर गया, भिखारी समाप्त हो गया। अब गांव के लोगों ने देखा, नगर के लोगों ने देखा कि भिखारी मर गया, भिखारी का कपड़ा फेंक दिया,
भिखारी की चादर फेंक दी, भिखारी का सामान फेंक दिया। अब जिस जगह पर भिखारी सोता था, जिस जगह पर भिखारी पड़ा रहता था चौराहे पर, वो भिखारी ने उस जगह को इतना गंदा करके रखा था, इतना गंदा करके रखा था कि उसमें बदबू आ रही थी। अब बदबू आ रही थी तो उन्होंने तुरंत खुदाई वाले को बुलवाया और खुदाई करने के लिए कहा कि ये जमीन का ये टुकड़ा भिखारी बैठता था, इसमें बदबू आ रही, गंदगी हो रही है, इसने इतनी गंदगी कर दी, इसको उखाड़ दो, इसको फेंक दो, उठा फेंको इसको। बुलाया, जेसीबी मशीन वाले को बुलाया होगा, खड्डा खोदने वाले को बुलाया होगा, और बुलाया गया। और बुलाने के बाद में जैसे ही खड्डा, भिखारी जहां बैठता था सोता था उस जगह पर जैसे ही खड्डा खोदा, खोते से ही भिखारी के नीचे से सोना, पैसा, धन, दौलत ढेर सारी निकली, ढेर सारी। अब इतना सारा धन निकला तो नगर के लोगों ने सोचा कैसा भिखारी है, कैसा भिखारी है, थोड़ा सा अगर नीचे खोद लेता और इतनी सारी दौलत उसे प्राप्त हो जाती तो वैसे ही सम्राट हो जाता। जिंदगी भर भीख मांगते मांगते मर गया, पर खुदाई नहीं करा, खोदा नहीं, और सम्राट बनने का आशा लेकर मर गया। थोड़ा सा खोदता तो उसमें से धन मिल जाता, धन मिल जाता तो सम्राट बन जाता। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है हम भी ऐसे ही हैं, हम और आप सब एक जैसे हैं। दुनिया से कहते हैं ऐसा कर दीजिए भैया, ऐसा कर दीजिए भैया, हम दुनिया से भीख मांगते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अपने अंदर हम खोदते नहीं हैं। अगर शंकर के शिवलिंग के प्रति हमारे भीतर हम खोदते जाएं कि शिवलिंग की पूजन से क्या मिल सकता है, शिव महापुराण सुनने से क्या प्राप्त हो सकता है, शिव महापुराण की कथा को पढ़ते जाएं खोदते जाएं और भगवान शंकर की भक्ति में हम इतने डूबते चले जाएं, नीचे उतरते चले जाएं, एक अंदर की ओर जाते चले जाएं, तो एक ना एक दिन तुम सम्राट बनकर ही रहोगे, राजा बनकर ही रहोगे। अंदर नहीं खोद रहे हम, केवल बाहर से सब कुछ कर रहे हैं। हमारा ये काम बिगड़ गया, हमारा ये काम अच्छा हो गया, हमें ये मिल जाता, हमें वो मिल जाता, हम केवल एक आस लेकर जी रहे, पर हम भीतर नहीं झांक रहे, भीतर नहीं जा रहे। थोड़ा सा खोदिए अपने भीतर, थोड़ा सा खोदिए अपने अंदर, थोड़ा सा जाइए शिव महापुराण के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए शंकर की कथा के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए शिवालय के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए भगवान शंकर के अनुमोदन के भीतर, मिलेगा जरूर, प्राप्त होगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी मैं कटी जावांगी। हम अपने भीतर नहीं खोद रहे, हम अपने भीतर नहीं झांक रहे, हम अपने भीतर नहीं जा रहे। थोड़ा सा प्रवेश करें, थोड़ा सा जाने का प्रयास करें। पैसा कमाया बहुत आनंद, 4 करोड़ कमाने वाला भी आखिरी में 4 कंधे पर ही जाता है। 4 करोड़ कमाने वाला 4 बांस 40 कंडे और 4 कंधे पर निकल जाता है, और 4 करोड़ रुपया उसका पड़ा की पड़ा रह जाता है। जब करोड़पति भी बीमार पड़ता है हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, करोड़पति भी जब हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा रहता है, करोड़पति भी जब वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, धन उसका, पैसा उसका, करोड़ों की जायदाद उसकी, सारी वस्तु उसकी, पर बीमारी में उसका धन कितना उस पर खर्च करना है ये निर्णय भी दूसरा करता है। करोड़ों कमाने वाले का निर्णय भी उसके ऊपर,
इसको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, वेंटिलेटर पे कब तक पटक कर रखना है, आईसी में कितने दिन रखना है, अच्छा कमरा लेना है कि नहीं लेना, ये निर्णय दूसरा लेता है। करोड़ों का धन तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, वैभव तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, कमा कमा कर जोड़ कर रखा तुमने, पर आखिरी में तुम्हारे पैसे का निर्णय भी दूसरे लेते हैं। देखो बहुत दिन हो गए वेंटिलेटर पे पड़े हुए, अब हटा देना चाहिए, पैसे पे पैसा लग रहा है। करोड़ों उसके थे, धन उसका था, पैसा उसका था, पर तुम्हारे पैसे का निर्णय दूसरा ले रहा है। देखो अगर ज्यादा अच्छा रूम लेंगे तो इतना खर्चा हो जाएगा, रोज का डॉक्टर आएगा, रोज की दवाई लगेगी, रोज का ऐसा लगेगा, रोज का ऐसा लगेगा, इतना खर्चा हो जाएगा। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, वैभव तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, करोड़ों का धन तुम्हारा, और निर्णय कोई दूसरा ले रहा है। इसलिए शास्त्र कथा है, महापुराण की कथा कहती है, नांदेड़ वालों जैसे हमारे दोनों यजमानों ने ऐसा फल प्राप्त करा कि नांदेड़ की भूमि पर महापुराण की कथा करें। दोनों यजमान श्री शिवराज नांदेड़कर जी और प्रशांत पातेवर जी, इन दोनों को साधुता देता हूं, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं। अपने धन का सदुपयोग स्वयं करिए। इसलिए हम पहले भी कथा में कहते आए हैं, किसी को एक रुपया नहीं देना मत दो, किसी के ऊपर खर्च नहीं करना मत करो, किसी को एक रुपया नहीं देना मत दो, कम से कम अपने ऊपर खर्च करो, अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से रहो, अपनी जिंदगी फुल एंजॉय में जियो, रो रो के नहीं, आंसुड़ा बहा बहा कर नहीं, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। थोड़ा सा दुख आया है कट जाएगा, थोड़ा सा तकलीफ आई कट जाएगा, पर अपने जीवन को अच्छे से जियो। 4 करोड़ कमाने वाले का भी 4 बांस, क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में बांस को, बांबू, 4 बांस, 4 बांबू, 40 कंडा, कंडा मतलब गोबरी, अंतिम संस्कार में कितनी लगती, 40 कंडे से ज्यादा नहीं, 4 बांस, 40 कंडा और 4 कंधा, इससे ज्यादा जिंदगी नहीं मनुष्य की। और आखिरी में तुम्हारे धन का विचार भी दूसरे करेंगे। कोई आएगा, कोई कह देगा कौन बीमार पड़ा है, तो क्या वो बीमार पड़ा है, तो क्या एक काम करो कि अब देखो बहुत दिन हो गए पड़े पड़े वेंटिलेटर पे, इतना पैसा लग रहा है फालतू का, एक काम करो कि अब इनको वेंटिलेटर से हटा दो, डॉक्टर साहब हटा दो, निर्णय हाँ, डॉक्टर कह रहा है 2 दिन और रख के देखो, हो सकता है इसमें सांस आ जाए, 2 दिन और रखो इसमें सांस आ सकती है, पर नहीं अब हमारी कैपेसिटी नहीं है, इतना पैसा चले जाएगा, अब थोड़ा अगर ये तो चले ही जाएगा, जाने वाला चले जाएगा, कम से कम पैसा तो रह जाए, पैसे को जोड़ जोड़ के रहने दो। तुम्हारा धन और निर्णय कोई दूसरा ले रहा, तुम्हारा धन और निर्णय कोई दूसरा ले रहा। इसलिए शिव पुराण कहती है अपना निर्णय अपने को लेना, अपना निर्णय अपने को लेना, स्वयं का निर्णय होना चाहिए, स्वयं का। और स्वयं का जब निर्णय लोगे तो जीवन की सार्थकता स्वयं सिद्ध करेगी, आप स्वयं शिव पकड़ेगा, स्वयं स्वयं। हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चल। जले जलने वाला, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अलमस्त हो, और देख लो कितना जोरदार आनंद है, जो देखा जाएगा। बैठे अपनी मस्ती में, भगवान की कथा, भजन, कीर्तन, परमिशन मिले तुम्हारे पास रखो, परमिशन भोलेनाथ ने घर में दे दी, ले। भक्ति, भजन, चित्त, स्मरण अपने भीतर, और स्वयं का निर्णय, श्रेष्ठ कम निर्णय, स्वयं का निर्णय करें, स्वयं। शंभू शिव कथा,
हरि के पांव में कांटा चुभा है, मणि के पांव में पूरे शरीर में कांटा चुभा है, मणि बार बार शिव जी से करा है, मैं तुम्हारे मंदिर आता था, मैं तुम्हारे मंदिर में पोछा लगाता, झाड़ू लगाता, तुम्हें जल चढ़ाता, तुम्हें भोग लगाता, तुम्हें बेलपत्र चढ़ाता, तुम्हें धतूरा चढ़ाता, तुम्हें ऐसा करता, बार बार मणि कर रहा है, पर हरि एक बार भी नहीं कहा कि बाबा मैं तुम्हारे लिए कुछ करा। हरि तो कह रहा है बाबा मेरे पांव में कांटा चुभा है, केवल हरि शिव नाम का स्मरण कर रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजन कर रहा, मेरे ओघड़दानी शंभु के कानों में शब्द गया, शिवजी एक बूढ़े का रूप रख कर आए, हरि के पास पहुंचे, उसके पांव का कांटा निकाल दिया। हरि ने पूछा बाबा तुम कौन, इस वीराने जंगल में कहां तुम आ गए, कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम, कहां से रहने वाले हो। भगवान भोलेनाथ जी कुछ नहीं बोले, केवल कांटा निकाल दिया, केवल कांटा। शिव कथा कहती है आप कमाते हैं, जोड़ते हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक दुकान में से थोड़ा सा कमाया तो उसको बढ़ाने का प्रयास करो, छोटी सी दुकान को बड़ा बनाने का प्रयास करो, एक गाड़ी है तो दो गाड़ी बनाने का प्रयास करो, एक पेट्रोल पंप है तो दो पेट्रोल पंप करने का प्रयास किया, एक बंगला है तो दो बंगला बनाने का प्रयास किया, थोड़ी सी प्रॉपर्टी है तो उसको बड़ा बनाने का प्रयास किया, एक एकड़ जमीन एक बीघा जमीन है तो चार बीघा बनाने का, पांच बीघा बनाने का, पांच एकड़ बनाने का प्रयास किया। धन को, थोड़े से धन को बड़ा बनाने का प्रयास में हर व्यक्ति लगा हुआ है, कैसे ना कैसे मुझे धन बढ़ाना है, प्रॉपर्टी बढ़ाना है, सत्ता बढ़ाना है, वैभव बढ़ाना है, अपना मान अपना आनंद सब बढ़ाना है। बढ़ाने में तुम लगे हुए हो, धन को बढ़ाने में लगे हो, घर को बढ़ाने में लगे हो, गाड़ियों को बढ़ाने में लगे हो, प्रॉपर्टी को बढ़ाने में लगे हो, केवल एक चीज ऐसी है जो बढ़ाने की जगह दुनिया के लोग घटा रहे हैं, वो क्या, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का मंदिर, ये लोग घटा दिए। पहले के समय में लोग मंदिर में समय ज्यादा देते थे, अब कम समय देते, पहले के समय में लोग भगवान को श्रृंगार ज्यादा करते थे, अब कम करते, पहले के समय में लोग भजन ज्यादा करते थे, अब कम करते, पहले के समय में लोग कीर्तन ज्यादा करते थे, अब कम करते, भजन कम हो गया, भक्ति कम हो गई, श्रद्धा अर्थात थोड़ी सी मात्रा में उसको कम कर दिया गया। पर शिव पुराण की कथा कहती है तुम्हारे माता पिता ने जो पुण्य करा था उस पुण्य उस भजन का फल यह है कि आज तुम्हारी चार मंजिल बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी जाता है, गाड़ी जाता है, बंगला जाता है, तुम्हें क्या करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है आपको एक काम करना है कि अपने भजन के बल को बढ़ाना, अपनी भक्ति के बल को बढ़ाना, अपने स्मरण को बढ़ाना, थोड़ा सा भजन का बल बढ़ाइए, थोड़ा भक्ति का बल बढ़ाइए। शिव जी के मंदिर में जाओ, कभी ये मत कहिए कि मैं बाबा तुम्हारा भजन करता हूं, हरि ने एक बार भी नहीं कहा, हरि का भजन का बल बड़ा हुआ था, इसलिए हरि भक्ति के बल पर आश्रित होकर चलता आ रहा। आश्रित हरि के पांव के कांटे स्वयं शिव निकाल देते हैं। मणि चिल्ला रहा, मणि चिल्ला रहा, पर शिव नहीं गए। नांदेड़ की प्रथम दिवस की कथा में कहा था कि ढंग की जिंदगी जियोगे तो शिव के करीब में जाओ, ढोंग की जिंदगी से शंकर के करीब नहीं जा सकते, शिव के पास नहीं पहुंच सकते। हरि का कांटे निकल गए पांव के, जब हरि के कांटे पांव का कांटा जब हरि का निकला, हरि ने स्वयं भगवान शिव जी के सम्मुख में वृद्ध व्यक्ति से कहा कि मेरा मित्र आगे गया है और बहुत आगे निकल गया होगा, मुझे उसके साथ में तीर्थ यात्रा करना है, मैं जा रहा हूं। कांटा निकलते से ही जैसे ही हरि आगे बढ़ा तो देखा कि उसके मित्र मणि के पूरे शरीर पर कांटे चुभे हुए थे,
तुरंत हरि ने एक क्षण की देरी नहीं करी और मणि के पूरे शरीर के कांटे निकाले, पूरे शरीर के कांटे। आज मणि की आंखों में जल भर गया, और मणि की आंखों में जब जल भरा, मणि की आंख में जैसे ही जल आया, जल आते से ही मणि ने तुरंत हरि के चरण पकड़ लिए कि हरि मुझसे गलती हुई, तेरे शरीर में कांटा चुभा था तेरे पांव में और मैं निकाल नहीं पाया, एक वृद्ध मिला था उसको पानी तक नहीं पिला पाया, तो मेरी शिव भक्ति बेकार है, ऐसी शिव भक्ति किसी काम की। शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में अगर कोई धर्म का आयोजन हो रहा हो, अच्छा कर्म अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में अच्छा कार्य हो रहा हो, और धार्मिक आयोजन, कोई धर्म का आयोजन, संपूर्ण विश्व के कल्याण का अगर कोई आयोजन हो रहा हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमारा शरीर अच्छा है तो बन सके तो उसमें थोड़ा सा सहयोग प्रदान करो, बन सके तो हाथ आगे बढ़ाकर उसको उन्नति की ओर लेकर जाओ, टांग मत अड़ाओ, नहीं तो एक दिन टांग से चलने के लायक भी नहीं। बस बन सके तो इस शरीर में हाथ आगे बढ़ाओ पर टांग मत अड़ाओ। अगर हाथ आगे बढ़ा दिया ना तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचकर तुमको भी आगे बढ़ा देगा। और अगर सनातन धर्म के आयोजन में, कहीं अच्छे आयोजन में, सत्कर्म में, भगवान की भक्ति में, और खास रूप से शंकर की भक्ति में अगर टांग अड़ाई है तो 1.5 साल 2 साल में टांग भी और शरीर भी बाबा के भरोसे ही रह जाता है। इसलिए थोड़ा सावधान, थोड़ा सावधान। मेरा शिव का भक्त, शंकर का भक्त कभी भी मुख से कुछ नहीं कहता, पर शंकर के भक्त का जवाब स्वयं शंकर देता है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देता है। इसलिए सावधान। हम फिर कहेंगे, पहले लोग कहते थे तेरा क्या होगा कालिया, हम भी आज कहते हैं सावधान रहना, तेरा क्या होगा कालिया। थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा सावधान रहिए, और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जिस नांदेड़ के कार्यक्रम के लिए, नांदेड़ का बच्चा बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक पुरुष जागृत होकर आधी रात को पानी भराया ग्राउंड में, तो एक एक समिति, एक एक बच्चा बच्चा, एक एक ये नहीं देखा कि कौन धर्म का कौन कर्म का, सारा व्यक्ति उस ग्राउंड में पहुंच गया और जाकर उसने एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाकर अपने अपने घरों में, अपने अपने भवन में, अपने अपनी जगह में ठहराया। अब अपना फर्ज बनता है कि अपने गांव में, नगर में कोई कार्य हो तो उसको उन्नति की ओर आगे बढ़ाया जाए, उसको तरक्की की ओर लेकर जाया जाए, जिससे सनातन धर्म मजबूत होता चले जाए। सनातन धर्म मजबूत, उसको मजबूत बनाना हमारा कार्य, उसको श्रेष्ठ बनाना हमारा कार्य। वो तो शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के भक्त बड़े सहज, बड़े सरल, बड़े भोले होते हैं, बड़े भोले। शिव भक्त बड़ा सरल, शंभु का भक्त बड़ा सरल। शिव कथा कह रही है, अरे मणि, मणि ने पकड़ लिया चरण हरि का, हरि का चरण पकड़ा, हरि ने कहा देख रे मणि मेरे चरण मत पकड़, मेरे चरण मत पकड़, तुझसे गलती हुई है, तुझसे गलती हुई है, और उसका भोग तुझे भोगना है, इसलिए तूने भोगा। ये ना सोचे कि हम शंकर की आराधना में लगे हैं, शिव की आराधना केवल दिल से होती है, शंकर की आराधना केवल भक्ति मन से होती है, चित्तवृत्ति से होती है, हृदय से होती है। शिव भक्ति हृदय से, शिव भक्ति में दिखावा नहीं होता, बड़ा मन। एक पत्र देखिए, चैनल वालों से कहूंगा इस पत्र को जरूर आप आस्था चैनल पर दिखाएं, क्योंकि
ऑनलाइन कथा चल रही है तो वो शिव भक्त भले यहाँ पर नहीं होगा पर उसका पत्र जनमानस तक पहुंचेगा। मेरा नाम संगमेश्वर त्रंबक अप्पा मठपति है। मेरा नाम संगमेश्वर त्रंबक अप्पा मठपति है। मैं लातूर जिले में अहमदपुर तालुका के चोबली गांव का रहने वाला हूं और मेरा मोबाइल नंबर ये है। डिग्री पूरी होने के 12 साल बाद गुरुदेव मेरा 2012 में डीएड पूरा हुआ। उसके बाद मैंने 2013 में जिक्र अपना पूरा पढ़ाई पूर्ण कर ली और पूर्ण पढ़ाई करने के बाद में तब हम पूर्ण तरह से परीक्षा देते रहे पर कहीं सफलता नहीं मिल रही थी। थक चुका था। 12 साल लगातार मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करा पर मेरी नौकरी नहीं लगी 12 साल तक। तब मेरी दीदी ने मुझसे कहा, मेरी बहन का नाम है प्रियंका, उसने मुझसे कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। आप कहते हो कथा में स्वयं प्रसाद बनाओ, मैंने खुद प्रसाद बनाया। मैंने प्रसाद बनाकर भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा पर बाबा ने मेरी उस पशुपति व्रत पूर्ण होने पर भी मेरी नहीं सुनी। एक बार पशुपति व्रत पूर्ण हो गया, मेरी बहन ने कहा घबरा मती, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भगवान का चरण कभी मत छोड़, दूसरी बार पशुपति व्रत फिर कर। मैंने दूसरी बार पशुपति व्रत फिर किया और दूसरी बार पशुपति व्रत करने पर मैंने एक एग्जाम बहुत पहले दे रखा था जिसको मैं भूल चुका था कि जिसका कोई रिजल्ट आएगा। दूसरा पशुपति व्रत किया और व्रत करने के बाद मेरे बाबा ने जो एग्जाम में बहुत पहले दे चुका था उसका मुझे याद भी नहीं था और बाबा की कृपा से मुझे 17/6/2024 को मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आज मैं शिक्षक बन गया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ कि 12 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगाई जो आस मैंने छोड़ दी थी, जो मैंने आस त्याग दी थी। ये शिव है, शिव। मेरा नाम संगमेश्वर त्रंबक अप्पा मठपति है। मैं लातूर जिले के अहमदपुर तालुका के चोबली गांव का रहने वाला हूं और मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हत्तो छटी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पत्नी शंभो मैं तेरी पत्नी। उसका भरोसा, उसका विश्वास दृढ़ है।